बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे द टॉपिक इज़ मिनट्स ऑफ मीटिंग। दिस इज़ समथिंग क्वाइट न्यू फॉर यू। लेट्स सी व्हाट मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आर। द फर्स्ट पॉइंट इज़ द डेफिनेशन। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशंस एंड डिसीजंस टेकन एट अ मीटिंग आर कॉल्ड मिनट्स। तो किसी भी मीटिंग की जो डिटेल्स रिकॉर्ड की जाती हैं, उसमें जो डिसीजंस लिए गए हैं या जो भी डिस्कशन हुई है, उसका एक बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। वो रिकॉर्ड जो है वो मिनट्स ऑफ दैट मीटिंग कहलाता है। मिनट्स आर जनरली रिटन बाय द सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विच स्पॉन्सर्स और होल्ड्स द मीटिंग। कीपिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, committees of directors and general body of a joint stock company is a legal requirement। तो कुछ organizations में ये legal requirement होती है कि हर meeting के minutes लाजमी record किए जाएँ। But other organizations also follow this practice। They serve as an aid to memory and provide a basis for action। Minutes usually contain the main points of discussion, the conclusions reached, the recommendations made, and the tasks assigned to individual members and groups. They are not a verbatim record of the proceedings of a meeting. The emotions and feelings, if any, expressed by members during the course of discussion are not generally included. A clear, concise, accurate and well-organized summary of the business transacted is all that is required। तो ये बिल्कुल टू द पॉइंट और फॉर्मल ही रिकॉर्डिंग होती है किसी भी मीटिंग की। इसमें कोई किसी मेंबर की तरफ से कोई इमोशनल बात कही गई है या कुछ भी है तो उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाता। इनफैक्ट मिनट्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ समरी of what happened at a meeting। They are more analogous to a telegram than to a letter। तो letter आपको पता है detailed होता है, उसमें feelings और emotions भी हो सकते हैं, लेकिन telegram मुख्तसर होता है और उसमें आपने to the point बात जो convey करनी है बात वही लिखी जाती है। Similarly ये एक ऐसा record है कि at a glance आप check कर सकते हैं कि meeting में क्या कुछ discuss हुआ या meeting किस मौजू के मुतालिक थी। When you are called upon to write the minutes of a meeting, take down notes carefully at the meeting. Soon after it is over, prepare a draft of the minutes. If you are assigned the duty of taking the minutes, so आपने क्या करना है, आपने उसका एक rough draft तैयार करना है during the meeting और उसके बाद उसको final शक्ल बाद में देनी है। Before giving a final shape, show them to the chairman. तो जो person चेयर कर रहा है उस मीटिंग को, जो हेड है, यू हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ दैट पर्सन बिफोर ऑफिशियली मेकिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द मिनट्स। आपने उनसे ज़रूर ये इसको डिस्कस करना होता है। शुड यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग अ स्टेटमेंट और फैक्ट, चेक इट अप विद सम अदर मेंबर टू इंश्योर एक्यूरेसी। तो चूंकि ये ऑलमोस्ट एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है तो इट इज़ फार बेटर टू चेक विद समवन एल्स इफ़ यू हैव डाउट अबाउट एनी पॉइंट, ताकि आप कोई बाय मिस्टेक कुछ गलत एंट्री ना कर जाएं। ये मिनट्स जो हैं दे सर्व एज एन एड टू मेमोरी एंड प्रोवाइड ए बेसिस फॉर एक्शन। और इसके कंटेंट्स हमने देख लिए हैं कि क्या कुछ हैं, इसमें डिसीजंस आते हैं, कंक्लूजन्स आती हैं, रिकमेंडेशंस आती हैं, ये सारी चीज़ें मिनट्स का हिस्सा होती हैं। देन कम्स द पर्पस। What are the purposes? Why should we keep a record of the meeting or why should take the minutes? An official record of the organization's business. तो जो भी business run हो रहा है, जो भी meetings में decision लिए गए हैं या meeting जिस भी point के बारे में है उसका official record होगा। Record to highlight procedures, traditional activities। तो procedures के जो भी procedures discuss हुए हैं उनका record होगा। Tool for informing members not in attendance at the meeting. If by chance some member misses the meeting and he cannot attend it,
But these minutes prove a help for him to catch up with what was discussed at the meeting. ठीक है ना, तो यूं वो मीटिंग में लिए गए डिसीजंस को कम से कम देख सकता है कि क्या फैसले हुए अगर कोई मेंबर मीटिंग अटेंड करने से रह गया है. टूल्स टू असिस्ट इन द फॉलो अप ऑफ असाइनमेंट्स एंड डिसीजंस एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट एजेंडा. तो इसमें चूंकि रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है तो जो पिछली मीटिंग्स में डिसीजंस लिए गए हैं उनको भी चेक किया जा सकता है कि उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ और फर्दर जो एजेंडा है उसको फाइनलाइज करने में भी हेल्प मिलती है. व्हाई आर द मिनट्स ऑफ मीटिंग सो इम्पॉर्टेंट, लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे मेक मीटिंग्स मोर एफिशिएंट. Meeting minutes can help avoid endless discussion and back and forth because they make things more efficient. And we can also avoid humming and hawing because we have a list of exactly what needs to get discussed and put into action right in front of you. तो जो मीटिंग के लिए एक टाइम मुख्तस किया गया होता है उसका बेहतर फ़ायदा उठाने में ये मिनट्स हमें बहुत मददगार साबित होते हैं. हमारे पास एक सेट एजेंडा होता है कि इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, ये नहीं कि मेंबर्स वहाँ बैठकर आएं बाएं शाएं करें और मीटिंग टाइम को पूरा करने की कोशिश करें. दे आउटलाइन द मीटिंग स्ट्रक्चर. एज ए जनरल रूल a meeting leader should never go into a meeting without a precise plan outlining what needs to be discussed. तो अगर आपको खुद कभी कोई मीटिंग चेयर करने का मौका मिले, आप हेड हों, तो आपके ये अंदाज़ा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यू कैन नॉट अटेंड अ मीटिंग विदाउट हैविंग एन आउटलाइन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड. तो ये चीज़ जो है वो आपकी एफिशिएंसी को बहुत बेहतर बनाती है. Keep everyone up to speed is the next point. It means you can simply send meeting attendees a copy of the relevant meeting minutes and they can bring themselves up to speed right away. तो जितने members ने meeting attend की है उनको अगर minutes की एक copy send कर दी जाए तो वो उनके पास at a glance एक record होगा कि what is required of them to do now, क्या उन्होंने करना क्या है, एक line of action उनको provide कर दी जाती है इस सूरत में. Avoid forgetting about important topics. Meeting minutes ensure that nothing gets forgotten in your meetings. You will be able to refer to the agenda items already marked down in your draft and even check minutes from past meetings. Meeting minutes are also handy documents that can be glanced at before a meeting ends just to make sure everything has been covered. Next point is minutes of the meeting, they increase accountability. How? Let's see. Meeting minutes add a degree of accountability to both what's discussed in meetings and meetings themselves. When a topic is discussed at a meeting, the person taking the meeting minutes usually writes down a team, contact person or leader that is associated with the meeting item. This gives that specific person accountability over that topic and avoids confusion surrounding who is in charge of one task or another. तो ये डिसाइड हो जाता है मीटिंग्स के ज़रिए, मीटिंग में जब मिनट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है कौन सी ड्यूटी किसको असाइन की गई है, ये चूँकि इन राइटिंग आ जाता है तो उसके बाद बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती कि किस तरीके से उसको हैंडल करना है. Improves client relationship. This is an other topic. Meeting minutes can be great accountability tools for clients. If there is ever any doubt about whether an item was discussed at a meeting or whether the meeting was even held at all, meeting minutes are handy documents to refer back to provide clarity and avoid frustration. तो किसी क्लाइंट के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग हुई है और उसमें डिसीजंस लिए गए हैं, बाद में क्लाइंट कोई फस क्रिएट करता है कि ऐसा नहीं ऐसा था या ये पॉइंट डिस्कस हुआ या ये पॉइंट डिस्कस होने से रह गया, तो उसको कॉपी प्रोवाइड की जा सकती है मीटिंग मिनट्स की
एक कॉपी उनको ऑलरेडी दी जाती है कि वो देखें इसमें कि ये पॉइंट्स या ये एजेंडा आइटम्स ये थे, और इस तरीके से बाद में पैदा होने वाले किसी भी फस को रोका जा सकता है और किसी भी बदमजगी से बचा जा सकता है. देन देर आर सम टिप्स फॉर राइटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग. द फर्स्ट वन इज क्रिएट एन आउटलाइन. Having an outline based on the agenda makes it easy for you to simply jot down notes, decisions or discussions under each item as you go along. If you are taking notes by hand, consider including space below each item. यानी अगर आप हाथ से वो लिख रहे हैं सारे के सारे, तो जो मेन टॉपिक्स आपने लिखे हैं उनके नीचे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाएं. For your handwritten notes, then print these out and use this to capture minutes. तो आपने जो अगर आपने वो मेन एजेंडा आइटम्स लिख ली हैं और हर टॉपिक के नीचे स्पेस छोड़ी है, तो जो भी आइटम डिस्कस हो रहा है आप उसकी डिस्कशन का रिकॉर्ड वहाँ पर एंटर करते जाएंगे, तो यूँ आपको मिनट्स मेंटेन करना आसान होगा. चेक ऑफ अटेंडीज एज दे एंटर द रूम. आपके पास एक चेकलिस्ट हो कि आज कितने मेंबर्स या कौन कौन मीटिंग अटेंड कर रहा है. इफ़ यू नो द मीटिंग अटेंडीज यू कैन चेक देम ऑफ एज दे अराइव. इफ़ नॉट, दूसरी सूरत ये है कि यू डोंट नो द पर्सन हु आर अटेंडिंग दैट मीटिंग पर्सनली. इन दैट केस लेट पीपल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग और सर्कुलेट एन अटेंडेंस लिस्ट. दे कैन चेक ऑफ देमसेल्व्स. तो अटेंडेंस लिस्ट भी सर्कुलेट की जा सकती है कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो उसमें अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दें, तो बाद में इसको चेक किया जा सकता है कि कौन मीटिंग अटेंड करने से रह गया है. रिकॉर्ड डिसीजंस और नोट्स ऑन एक्शन आइटम्स इन योर आउटलाइन एज सून एज दे अकर टू बी श्योर दे आर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली. आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ नेसेसरी. अगर कोई पॉइंट मिनट टेकर के लिए एम्बिगुअस है तो इट इज़ फार बेटर कि वो उसी वक्त उसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो ले ले चेयरमैन से या किसी कंसर्न पर्सन से, ताकि मीटिंग्स का रिकॉर्ड जो है ये मिनट्स जो हैं वो एक्यूरेट हों. डोंट ट्राई टू कैप्चर इट ऑल. अब ये नहीं होता कि मिनट्स जब आप ले रहे हैं मीटिंग में तो जो बंदा जो लफ्ज़ बोल रहा है आपको सारे का सारा लिखना है और तेज़ तेज़ हाथ चलाने हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो फिर क्या किया जाता है, यू कांट कीप अप इफ़ यू ट्राई टू राइट डाउन द कन्वर्सेशन वर्बैटिम. वर्ड बाय वर्ड आप नहीं लिख सकते. सो बी श्योर टू सिंपली राइट और टाइप जस्ट द डिसीजंस, असाइनमेंट्स, एक्शंस, स्टेप्स एट्सेट्रा. Right, the final one is record it. If you are concerned about being able to keep up with note taking, consider recording the meeting. ठीक है, आप अपने स्मार्टफोन पे iPad पे उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट यू हैव टू बी श्योर टू लेट पार्टिसिपेंट्स नो दे आर बींग रिकॉर्डेड. क्योंकि किसी भी शख्स को उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी रिकॉर्डिंग करना ये इलीगल है, इमोरल है, तो उनको पहले इल्म होना चाहिए कि दे आर बीइंग रिकॉर्डेड. व्हाइल यू डोंट वांट टू यूज़ द रिकॉर्डिंग टू क्रिएट अ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द मीटिंग. अब रिकॉर्डिंग का पर्पज़ ये नहीं है कि आपने वो सारे का सारा पेपर पे उतारना है. दिस रिकॉर्डिंग कैन कम इन हैंडी इफ़ यू नीड क्लैरिफिकेशन. तो अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग जो हैं वो आप लिखते रहेंगे, रिकॉर्डिंग अगरचे हो रही है, कहीं पर किसी पॉइंट पे कोई एम्बिग्विटी है, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट रिकॉर्डिंग. व्हाट टू इंक्लूड इन मीटिंग मिनट्स. ठीक है, तो ये एक हेल्पफुल पॉइंट है कि आपको ऑलरेडी अंदाज़ा होना चाहिए व्हाट आर यू सपोज टू इंक्लूड इन द मिनट्स. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी. टाइप ऑफ मीटिंग कि ये कैसी है, रेगुलर है, स्पेशल है. वाज़फ़ा नंबरिंग भी होती है कि एक ही सीरीज़ में मीटिंग्स हो रही हैं किसी एक ही एजेंडा आइटम के बारे में, तो सिक्स मीटिंग और सेवन्थ मीटिंग ऑफ द स्पोर्ट्स कमेटी, ये सारा कुछ लिखा जाता है. डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड. नेम ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड मिनट टेकर. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर विद इन आवर कॉलेज को मीटिंग होती है तो प्रिंसिपल साहिबा उसको चेयर करती हैं या जो भी उसको चेयर कर रहा है उसका नाम आएगा, और जो स्टाफ सेक्रेटरी है, जो मिनट टेकर है, उसका नाम भी मेंशन होगा. नोटेशन ऑफ रीडिंग ऑफ प्रीवियस मिनट्स.
तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट के प्रीवियस मिनट्स को मेंशन किया जाए कि पिछली मीटिंग में क्या हुआ था, ताकि उसकी बेस पर मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए इस प्रेजेंट मीटिंग को. ऑल मेजर मीटिंग मोशंस एक्सेप्ट दोज विदड्रॉन एंड पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर और अपील्स इंक्लूड नेम ऑफ पर्सन मेकिंग द मोशन. मोशन मीन कोई भी, जैसे इसका मतलब तो है कि करारदाद, कोई भी डिसीजन टेक करने के लिए कोई भी करारदाद पेश की जाती है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो भी डिस्कशन हुई है उन मेजर मोशंस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, या वो डिसीजंस जो के लिए जाने हैं. नेम्स ऑफ कमेटी चेयरपर्सन्स, देयर रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ कमेटी असाइनमेंट विद ड्यू डेट. फाइनल वन इज एडजर्नमेंट टाइम, कि किस वक्त मीटिंग ख़त्म हुई, अलॉन्ग विद डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ नेक्स्ट मीटिंग. और अगर नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल की गई है तो वो भी एट द एंड ऑफ द मीटिंग उसको मेंशन किया जाएगा. हियर इज अ जनरल फॉर्मेट ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, के कैसे आपने रिकॉर्ड रखना है. प्री प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, और मिनट टेकर अपनी सहूलत के लिए इसको अपने अंदाज में सेट भी कर सकता है. ये एक जनरल तरीका है कि आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन नेम मेंशन किया जाएगा, फिर मीटिंग मिनट्स और डेट. ओपनिंग, व्हेन द मीटिंग वाज कॉल्ड टू ऑर्डर, वेयर इट वाज बीइंग हेल्ड एंड हु कॉल्ड इट टू ऑर्डर. तो ये ओपनिंग की के तहत आप ये सब कुछ मेंशन करेंगे. प्रेजेंट में जो अटेंडीज हैं मीटिंग के, उन सब के नाम आएंगे. एब्सेंट में एनी मेंबर हु आर नॉट प्रेजेंट, अगर कोई मीटिंग अटेंड करने से रह गया है तो उसको भी मेंशन किया जाएगा. ये मोस्टली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनकी मीटिंग्स का फॉर्मेट है. अप्रूवल ऑफ एजेंडा, अप्रूवल ऑफ मिनट्स, ये भी मीटिंग का हिस्सा है. बिजनेस फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग, के पिछली मीटिंग में क्या कुछ हुआ था. एनी मोशन और टॉपिक दैट वर प्रीवियसली रेज्ड, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट टुक प्लेस एंड वेदर दे वर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड. न्यू बिजनेस, तो पिछली मीटिंग का हवाला देने के बाद इस मीटिंग का जो एजेंडा है उसको भी मेंशन किया जाएगा. एनी मोशंस और टॉपिक्स दैट वर रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट दिस मीटिंग, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट टुक प्लेस एंड वेदर दे वर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड. तो इस मीटिंग में जो कुछ हुआ वो भी मिनट्स का हिस्सा बनेगा. एडिशंस टू द एजेंडा, एनी एडिशनल आइटम दैट वर रेज्ड बाय कमेटी मेंबर्स. यानी एक तो जो मीटिंग को चेयर कर रहा है वो अपना एजेंडा पहले साथ लेकर आता है कि मीटिंग में ये कुछ डिस्कस होगा, लेकिन अगर कोई मेंबर एट द स्पॉट कोई पॉइंट रेज करता है तो उसको भी एजेंडा में शामिल कर लिया जाता है और वो मीटिंग के जो मिनट्स हैं उसका हिस्सा बन जाता है. एजर्नमेंट मीन्स के इख्तिताम कब हुआ, व्हाट टाइम द मीटिंग वाज एजर्नड एंड बाय होम, एज वेल एज वेयर द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड एंड व्हेन. मिनट्स सबमिटेड बाय, तो यहाँ पर नाम आएगा उस मिनट टेकर का. नॉर्मली अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो स्टाफ सेक्रेटरी के ज़िम्मे ये काम होता है कि उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड करना होते हैं. एंड मिनट्स अप्रूव बाय इज़ दी पर्सन हु चेयर्ड दैट मीटिंग. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ए जनरल फॉर्मेट ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, एंड इंशाल्लाह वी विल प्रैक्टिस इट. And by practicing, you will learn better. Thank you very much for watching. If you have any questions, please ask. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.